Hello everyone, so welcome back to our channel NA Classroom. Today's video is going to be very interesting, so stay tuned till the end. सो so, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ आज का ये फुल वीडियो यूजेस ऑफ इमोजेस के बारे में क्या है कि हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और इमोजेस भेजते हैं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा सो so, जो मेरा फ़र्स्ट इमोजी है वो है शाइनेस जब कोई भी पर्सन हमारी तारीफ़ करता है और कोई भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है दे, तब हम शाए फील करते हैं या हम लोग शर्माते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट पर तो हम ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं सो so, जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है रिलीव्ड फेज इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी परेशानी में पहले इन्वॉल्व थे अब हम उससे बाहर आ चुके हैं और हम बहुत ही अच्छा और हल्का महसूस कर रहे हैं और इसका मतलब ये भी होता है कि हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से किसी भी थिंग से तब इसका यूज़ किया जाता है सो so, जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है किसिंग वुमन एंड मैन विद क्लोज़ आई इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक रोमांटिक और एक लव वाले रिलेशन में कनेक्टेड होता है तब वो अपना फीलिंग ऑफ लव एक्सप्रेस करना चाहता है तब इसका यूज़ करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आई इस इमोजी से हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें कितना अच्छा फील हो रहा है और इसका यूज़ तब भी किया जाता है जब कोई पर्सन हमारी तारीफ़ करता है और उसकी तारीफ़ या उसकी कॉम्प्लीमेंट सुन के हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है स्मार्किंग फेस विद स्टेडी आइज़ इस इमोजी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी न्यूज़ सुन के बहुत खुश होते हैं या फिर हम किसी भी पर्सन को सडनली देख लेते हैं जिससे हम बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं या फिर हमारी ख्वाहिश होती है और उसको मिलके जो हमारी फीलिंग्स होती है जो एक्साइटमेंट होती है वो इस इमोजी से दर्शाया जाता है एंड जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है विंकिंग फेस इसका मतलब होता है आँख मारना कोई भी पर्सन आपको मजाक कर रहा होता है किसी बात को सुनाकर या फिर आपसे वो फ्लर्ट कर रहा होता है तब इस इमोजी का यूज़ किया जाता है एंड जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है स्माइलिंग फेस विथ थ्री हार्ट इमोजी इस इमोजी का मतलब ये होता है कि आप किसी के प्यार में हैं और आपको उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है आपको लव महसूस हो रहा है और या किसी ने आपकी तारीफ़ की और आपको वो बातें सुनकर आपको लव महसूस हो रहा है उस पर्सन के लिए तब इसका यूज़ किया जाता है और जो नेक्स्ट इमोजी वो है फेस ब्लो अ किस इमोजी इस इमोजी का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी को किस दे रहे होते हैं एक क्यूट सा किस दे रहे होते हैं और बता रहे होते एक दिल से किस है और इसका तब भी यूज़ किया जाता है जब हम किसी को फ्लर्ट कर रहे होते हैं और जो नेक्स्ट इमोजी वो है किस फेस विथ क्लोज़ आई इस फेस में आप देख सकते हैं रोजी चिक्स है और आइज़ क्लोज है और एक क्यूट सा फेस बना के दे रहे हैं ये यूजुअली तब हम यूज़ करते हैं जब हम फैमिली मेंबर या फिर किसी कज़न को भेजते हैं या फिर आप अपने लव वन को भेजते हैं और जो नेक्स्ट इमोजी वो है किसिंग फेस ये फेस तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं तब भी ये भेजा जाता है या फिर हम बहुत हैप्पी होते हैं किसी भी काम पर तब भी ये भेजा जाता है और हम किसी भी चीज़ पर बहुत खुश भी होते हैं तब भी ये भेजा जाता है और जो हमारा नेक्स्ट इमोजी है वो है फेस सेविंग डिलीशियस फूड ये इमोजी ये दर्शाता है कि हम बहुत भूखे हैं या तो फिर हमें कुछ टेस्टी खाने को मिला है या फिर हम किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं और वो करने के लिए हम तैयार हैं तब भी ये इमोजी भेजा जाता है और जो हमारा नेक्स्ट इमोजी वो है वो स्माइलिंग कैट फेस विथ हार्ट आइस इस इमोजी का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है या फिर हमारे पास कुछ बहुत अच्छा आया होता है या फिर किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया होता है और आप बहुत ओवर इन्जॉयड हैं तब ये इमोजी भेजा जाता है तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये वीडियो और इस वीडियो के पार्ट सेकेंड को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें गुड बाय